हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू टुडे आई एम टेकिंग योर लेसन नंबर टू जीके एनिमल्स ऑफ द कोल्ड रीजन आज मैं आप लोगों का जीके का लेसन नंबर टू एनिमल्स ऑफ द कोल्ड रीज़न वाला चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ ठीक है इससे पहले बेटा मैंने आप लोगों को चैप्टर वन प्लांट्स वर्ड के बारे में समझाया था ठीक नाउ लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द एनिमल्स दैट इन्ेबिट द कोल्ड रीजनस एंड राइट देअर नेम्स यहाँ पे आपको पिक्चर को देख के उस एनिमल को आइडेंटिफाई करना है जो कि कोल्ड रीजन में पाए जाते हैं एंड राइट देयर नेम्स और उसका नाम लिखना है यूज़ हेल्प बॉक्स गिवन फॉर योर असिस्टेंस हेल्प के लिए आपके यहाँ पे हेल्प बॉक्स बना हुआ है उसकी आप हेल्प ले सकते हैं ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन है आप फर्स्ट है आपका सील आर द ग्रुप ऑफ मैराइन मैमल्स दैट लीव इन वेरियस रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड दे कैन सर्वाइव बोथ इन पोलर एंड इन ट्रॉपिक वाटर सील जो है वो हमारा मैराइन मैमल्स मैराइन मैमल्स कौन से मैमल्स होते हैं जो हमारे एक्वेटिक मैमल्स होते हैं ठीक है जो कि वेरियस रीजन ऑफ़ द वर्ल्ड वर्ल्ड के वेरियस रीजन्स में पाए जाते हैं और ये सर्वाइव करते हैं दोनों जगह पोलर में भी और ट्रॉपिक वाटर में भी दे आर डिवाइडेड इन टू फैमिलीज इनको दो फैमिलीज में डिवाइड किया गया है वन दैट इंक्लूड्स ईयर्स लाइक सीज लॉयंस जिसमें कि एक में हमारा जो इंक्लूड है उसमें ईयर है जैसे हमारा लाइक सी लॉयंस एंड अदर देट आर ईयरलेस एक जो है वो हमारे ये दो दो फैमिली डिवाइड की गई हैं एक फैमिली में हमारे वो एन आते हैं एनिमल्स जो कि जिनके ईयर्स पाए जाते हैं और एक फैमिली में वो एनिमल्स आते हैं जो ईयरलेस होते हैं यानी जिनके ईयर नहीं पाए जाते कान नहीं पाए जाते देर आर थर्टी थ्री स्पीशीज इन टोटल टोटल तैंतीस स्पीशीज पाई जाती हैं इनकी तो यहां पर क्या आएगा आपका सील ओके नेक्स्ट है आपका इज आर्टिक लार्ज फ्लिपर्ड मैराइन मैमल कौन से होते हैं जो लहरदार समुद्री स्तनपाई होते हैं है ना लहरदार समुद्री मैराइन एनिमल्स होते हैं उन्हें हम फ्लिपर्ड मैराइन मैमल कहते हैं और डिस्कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन मीन असंतोषजनक वितरण तो वॉलरस इज ए लार्ज फ्लिपर्ड मैराइन मैमल वॉलरस जो है हमारा वो लार्ज फ्लिपर्ड मैराइन मैमल है जो कि असंतोषजनक वितरण है अबाउट द नॉर्थ पोल इन द आर्कटिक ओशन एंड सब आर्कटिक सीज ऑफ द नॉर्दर्न एमोसफियर जो दोनों जगह पाया जाता है आर्कटिक ओशन में भी और सब आर्कटिक सीज ऑफ द नॉर्दर्न एमोस्फियर में भी दिस इज द ओनली लिविंग स्पीशीज़ यही एक ऐसी लिविंग स्पीशीज़ है इन द फैमिली ओडोपैनेडी एंड जीनस ओडोबीनस ओके नेक्स्ट द लिपर्ड ऑल्सो नोन एज द आउंस इज अ लार्ज कैट नेटिव टू द माउंटेन रेंजेज ऑफ सेंट्रल एंड साउथ एशिया लिपर्ड लिपर्ड यानी तेंदुआ इसको हम आउंस के नाम से भी जानते हैं ये लार्ज कैट कैट की फैमिली का है नेटिव टू माउंटेन रेंजेज ऑफ सेंट्रल साउथ एशिया के सेंट्रल माउंटेन रेंजेज में ये पाया जाता है नंबर फोर्थ द आउल इज नेटिव टू आर्कटिक रीजन इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया मेल्स आर ऑलमोस्ट ऑल वाइट वाइट फीमेल्स हैव मोर फ्लैक्स ऑफ द ब्लैक प्लूमेज इसमें क्या है उल्लू जो होता है वो उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया में आर्कटिक क्षेत्र का मूल निवासी है मेल यानी नर लगभग सफ़ी सफ़ेद होते हैं वो जो मेल जो होते हैं वो किस कलर के होते हैं सफ़ेद कलर के होते हैं ठीक है जबकि फीमेल में काले आलू बुखारे के अधिक गुच्छे होते हैं यानी This is a ground nester that primarily hunts rodents and water fowl and अपॉर्चुनिस्टिकली इट्स कैरी ये एक ग्राउंड नेस्टर है जो मुख्य रूप से कृंतकों यानी रोडेंट्स और जल पक्षी का शिकार करता है और अवसरवादी रूप से कैरियल खाता है क्या खाता है कैरियल खाता है ओके नंबर है आपका द नोन एज द कैरिबाउ इन नॉर्थ अमेरिका इज अ स्पीशीज ऑफ डियर डी पोलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटिव टू टुंड्रा बोरियल एंड माउंटेनियस रीजन ऑफ द नॉर्दर्न यूरोप साइबेरिया एंड नॉर्थ अमेरिका कारिबू कारिबू क्या है कारिबू को उत्तरी अमेरिका में कारिबू के रूप में भी जाना जाता है जो कि आर्टिक उप आर्टिक टुंड्रा बोरियल और उत्तरी यूरोप साइबेरिया और दक्षिणी उत्तरी अमेरिका के पहाड़ी क्षेत्रों यानी जो माउंटेनस रीजन है पहाड़ी क्षेत्र हैं के मूल निवासी हिरणों में एक प्रजाति है ठीक है नंबर सिक्स द फॉक्स ऑल्सो नोन एज द वाइट फॉक्स पोलर फॉक्स और स्नो फॉक्स इज अ स्मॉल फॉक्स नेटेड टू द आर्टिक रीजन ऑफ द नॉर्दर्न हेमोस्फियर एंड कॉमन थ्रू आउट द आर्टिक टुंड्रा बायोम लोमड़ी को सफेद लोमड़ी लोमड़ी होती है ना फॉक्स क्या होती है लोमड़ी होती है लोमड़ी को सफेद लोमड़ी ध्रुवीय लोमड़ी के रूप में भी जाना जाता है या बर्फ लोमड़ी बर्फ लोमड़ी कौन सी होती है हमारे स्नो फॉक्स है ना उत्तरी गोलार्ध के आर्कटिक क्षेत्र का मूल निवासी है और आर्कटिक टुंड्रा बायोम में कॉमन है ठीक है ये हमारा हेमिसफ्यर एंड कॉमन थ्रू आउट द आर्टिक टुंड्रा बायोम ठीक आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर नाउ दिस एक्सरसाइज आई विल सेंड यू देन डू इट इन योर नोटबुक एंड बुक बोथ Okey